ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाये तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोवर में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के यथा के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री जगन्नाथ जी को सामने श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने तीन ग्रुप बना लिया। पहला ग्रुप में श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नृत्य में कोई बाधा नहीं, वो नित्यानंद प्रभु हाथ को ऐसे करते हुए लोगों का वीडियो को संभाल रहे थे। उसके बाद में और ये ग्रुप, उसके बाद में और ये ग्रुप, तीन ग्रुप बनाया हुआ था। जब बना हुआ था तो उसी समय राजा प्रताप रुद्र भी स्वयं महाप्रभु का नृत्यों को दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते समय बोले हे न काले से निवास प्रेमाभिष्ट मन राजा आगे रही देखे प्रभु नर्तन। उस समय श्री कहते श्री निवास प्रभु कहते प्रेम में अभिष्ट होकर क्यों साक्षात महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु किस भाव से, मतलब राधा रानी भाव से विभावित तो होकर के ये महाप्रभु वहाँ नृत्य कीर्तन कर रहे थे। जैसे राजा पीछे उसको सामने श्रीनिवास प्रभु, उसको सामने महाप्रभु। जैसे कोई लीला हो ना, कोई बढ़िया कोई नृत्य, हम क्या देखते हैं ना, अगर सामने कोई आ जाए बोले हट जा थोड़ी सी हट जा हमें भी थोड़ा देखने के लिए। और जहाँ पर साक्षात महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और जहाँ पर राजा स्वयं देख रहे हैं, इतने में सामने श्रीनिवास सामने आकर के उनको आँख को सामने खड़े हो जाते हैं। जो दर्शन बोले राजा आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास हस्ते तार स्पर्श कहे हाओ एक पास। कहते राजा का एक विशेष सेवक था जिसका नाम थी हरिचंदन। जैसे हमारे गुरु जी कोई विशेष सेवक होते हैं, राजा का भी एक विशेष जिसका नाम था हरिचंदन था। कहते ये देखा ये श्रीनिवास राजा को सामने कहाँ राजा और उनको सामने बारम्बार आकर के उनका दर्शन में व्याघात कर रहे हैं। हम क्या करते बोला अरे हट तो जाओ थोड़ा, जो उनको शरीर में बारम्बार हाथ क्यों हटा रहे थे। लेकिन राजा दर्शन और श्रीनिवास दर्शन फर्क है। राजा तो राजा जैसे हैं, लेकिन श्रीनिवास तो महाप्रभु का परिकर, राजा भी यद्यपि परिकर है महाप्रभु का परिकर है,
लेकिन वो तो विशेष महाप्रभु का परिचय है। कभी श्री कभी ये श्रीवास प्रभु कौन है, कभी साक्षात श्री नारद जी है, हैं? कभी बारम्बार उनको थोड़ा हटते जाओ, थोड़ा हटते जाओ बारम्बार कर रहे थे। इतने में नृत्य वैसे श्रीनिवास किचु ना जानी, बारम्बार ठेले ते हो क्रोध है, उनको तो बारम्बार धक्का मारा, इधर थोड़ी सी हट जा है। इतने में श्रीनिवास को बड़ा क्रोध आया, बोले महाप्रभु का नृत्य को मैं अभिष्ट होकर देख रहा, ये बारम्बार हमें हट जा हट जा हट जा बोलता है। इतने में उन्होंने किया क्या, बोले चापड़ मार लो तारे कैल निवारण, चापड़ खाई आ क्रोध है हरिचंदन। राजा विशेष आदमी, और अगर कोई साधारण व्यक्ति में एक थप्पड़ मार दिया, वे बारम्बार हटा रहे हैं, जब एक थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारते ही उसका मन में तो बड़ा क्रोध आ गया, अरे मैं राजा का विशेष आदमी, हम कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति थोड़ी है, हैं? राजा का विशेष आदमी, हमको थप्पड़ मार दिया और राजा को दर्शन में बाधा हो रहा था, और कहाँ राजा ही का साधारण है भक्त, लेकिन मन पर भी, लेकिन वो साधारण में थोड़ी है, साधारण नहीं महाप्रभु का परिकर है। इतने में कद क्रुद्ध या तारे कि छो चाहे बलिवारे आपनी प्रताप रुद्र निवारे न तारे, बड़ा क्रुद्ध होकर उसको भी बोलना चाह रहा था, लेकिन प्रताप रुद्र कभी स्वयं इंद्रदुम्न महाराज महाप्रभु का परिकर, जिसने सर्वप्रथम जगन्नाथ जी को उन्होंने स्थापन किया, लेकिन जब कुछ क्रोधित होकर बोलने जा रहे थे, कहते राजा प्रताप रुद्र बोले भैया मत ना, तुम कितने सौभाग्य, तेरे को पता किसी वैष्णव अगर किसी को थप्पड़ मार देना, वैष्णव का स्पर्श होना साधारण बात नहीं। बोले गंगा पर पश्चात पवन दर्शन पवित्र कर तो मार्गो न, बोले गंगा में स्पर्श होने पर कोई पवित्र होता है, लेकिन वैष्णव का दर्शन मात्र से ही जी पवित्र हो जाता है। तुम कितने भाग्यवान हो जो भक्तों का आशीर्वाद मिला तेरे को, हैं? कहते भक्तों को थप्पड़ मार दिया मतलब उनका स्पर्श से, कहते गंगा तो वैष्णव दर्शन से पवित्र हो जाता है, उनका थप्पड़ खाया तो कल्याण हो गया, हैं? अगर वैष्णव कभी किसको शासन कर दे, वैष्णव सबको शासन नहीं करते हैं, जैसे पिता माता बाहर किसी लड़के को थोड़ी शासन करेगा, अपना बच्चे को तो शासन करते हैं ना, अपना बच्चे को डांट लगाए कैसे तुमने क्यों की, कहते जिसको अपना मानते हैं उसको ही शासन करते हैं, जिसको पराया मानते हैं अब मर रहा है मरने को क्या होगा, हैं? जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन अपना बच्चे अगर करे तो पिता माता क्रोध आता है ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कह तुम कितने भाग्यवान हो, ये भाग्य मेरे को नहीं मिला, अगर उनका थप्पड़ अगर मेरे को मिलता है ना मेरा जीवन धन्य हो जाता, लेकिन ये थप्पड़ तेरे को मिला, थप्पड़ तो कितने सौभाग्यवान, तेरे को थप्पड़ मिला तुम्हारी जीवन धन्य हो गया है। प्रभु नृत्य देखी लोके हाई ल चमत्कार अन्य आचुक जगन्नाथ तेरे आनंद, महाप्रभु जो नृत्य कर रहे थे, जो दर्शन कर रहे थे, क्यों साक्षात कौन नृत्य कर रहे, कृष्ण किस भाव से, राधा जी की भाव से दर्शन कर रहे हैं, जो उसको दर्शन कर रहे तो भगवान का नृत्य, साधारण भक्त अगर नृत्य करता है उसको दर्शन करने पर जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए शास्त्र में आया जब भक्त हाथ उठा कर कैसे नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है, जितना दूर तक उनका दृष्टि जाती है जितने दूर तक सारे जगत उसकी कल्याण हो जाता है, और उनका चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपने आप को धन्य मान साधारण भक्त, और जहाँ साक्षात महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, कहते लोग तो देख कर जीवन धन्य हो गया, लेकिन कहते यहाँ लोग भी बात छोड़ दो, जगन्नाथ जी को सामने जगन्नाथ को देखा ना कैसे आप फाड़ फाड़ गए, जगन्नाथ जी ऐसे देख रहे तो बाबा कितने सुंदर, कौन नाच रहे, राधा रानी मान नाच रहे थे, हैं? यहाँ पर राधा रानी राधा भाव से महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, इसलिए जगन्नाथ भी स्वयं दर्शन करके और भी आश्चर्य में पड़ गए जगन्नाथ जी, हैं? जब कभी कृष्ण का रासलीला होता है ना, रासलीला होते समय कृष्ण जब कोई भजन गाते हैं कोई नृत्य करते हैं, जब उनसे सुंदर कोई हैं ब्रज गोपियां राधा रानी नृत्य करते हैं, कृष्ण अपना गले की हार निकाल करके दे देते हैं, अपना गले की माला निकाल कर दे देते हैं, हैं? उनका अपना चुंदर निकाल कर देते, वाह तुमने कितने सुंदर नृत्य किया, कितने सुंदर तुमने हैं कीर्तन किया है, कितना सुंदर है,
बोले रे रथ स्थिर हई कैल आगे ना करे गमन अनिवसे नेत्र नृत्य करे दरअसल। कहते श्री जगन्नाथ जी चल रहे थे ना, और चलते चलते रथ पर बैठे और गए। अब देखना जैसे कोई बहुत बढ़िया कोई चीज अगर हम सामने आ जाए हम क्या हो जाते हैं, खड़े होकर देखने लग जाते हैं। उसी तरह से जगन्नाथ भी जो रथ चल रहे थे रथ को उन्होंने बंद करा दिया, बोले थोड़ा सा दूर पे जाओ देखो तो महाप्रभु कितने सुंदर नृत्य कर रहे हैं। इसलिए अनिमेश नेत्र, अनिमेश नेत्र मतलब कोई ज्यादा बहुत आश्चर्य चीज होता हम आँख फार फार देखते हैं, आँख का पल को भी छपने नहीं देते। जगन्नाथ जी का तो आँख वैसे ही खुला हुआ है, बंद है ही नहीं, ऐसे जगन्नाथ जी से आँख फार फार देख रहे थे। वाह कितने सुंदर नृत्य है, बोले सुभद्रा बलराम रे हृदय उल्लास नृत्य देखी दुई जनार श्रीमुख तेहास। के जगन्नाथ जी तो देख कर खुश हो ही रहे थे, लेकिन इसे बलदेव प्रभु देख करके और सुभद्रा देवी भी दर्शन करते हुए क्या कर रहे थे, महाप्रभु का नृत्य देख करके और भी मीठे 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 मीठी मुस्कुरा रहे थे उनका नृत्य को देख करके। बोले उर्दंड नृत्य प्रभु अद्भुत विकार अष्ट साथी की भाव उदय हय समका। जब महाप्रभु नृत्य कर रहे थे कैसे, बोले उद्दंड नृत्य है, उद्दंड नृत्य मतलब होता है आप देखना जब उन्होंने बोले निताई गौर हरी बोल। जब देखना हम लोग मृदंग बजाते हुए झांप करके खूब उछल कूदते है ना, महाप्रभु ऐसे जब उद्दंड नृत्य महाप्रभु कर रहे थे उस समय महाप्रभु का शरीर में रथ अष्ट सात्विक भाव मतलब प्रेम का आठ लक्षण ही उनका शरीर में ये सब के सब ये आठ लक्षण शरीर में दिखाई पड़ता है। बोले क्या क्या वो चिन्ह है, कहते मांस व्रण समारोह वृंद पुलकित। जैसे हमारे जो बाल है ना, जो बाल है कहते कैसे, बोले मांस व्रण समारोह रोम वृत पुलकित सिमुलिर वृक्ष जिन कंटक वेष्टित। एक वृक्ष होता है सिमिल वृक्ष, सिमिल वृक्ष जानते हो नहीं जानते हो, जो हम जो तकिया बनाते हैं ना उसमें जो रुई होता है तकिया के अंदर जो रुई है वो सिमिल वृक्ष का ही रुई है, उसमें डाल करके तकिया बनाते हैं। इसलिए उसका जो कांटा होता है ना, बड़े बड़े कांटा होता है उसमें, उस पेड़ में चढ़ना साधारण बात नहीं, बड़े बड़े कांटा होते हैं। महाप्रभु का शरीर में भी कहते जो जो एक एक जो बाल है ना इतने बड़े बड़े जैसे प्रेम सत्य समय बड़े बड़े बाल जैसे रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं, कहते ना ऐसे उनको साधारण नहीं रोगट तो साधारण रूप में खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ का जैसे सिमिल वृक्ष का जैसे कांटा है इतना बड़े बड़े महाप्रभु का प्रेम में शरीर रोंगट में खड़े हो गए। कहते एक एक दंतर कंप देखी ते लागे भाई लोग जाने दंत सब खसिया पड़े। जब महाप्रभु का प्रेम में दांत जैसे उनकी है जैसे किसको कोई कंपन होने पर जैसे होता है ना शरीर कोई कांप रहा है दांत जैसे कांपता ही, कहते उसी समय महापुरुष का जो दांत है कांप रहा था, देखने से ऐसे लग रहा था जैसे महापुरुष का सारे दांत निकल जाए, सारे दांत जैसे टूट करके निकल जाएगा ऐसे। बोले एक ये एक के प्रेम का एक के विकार है, इसलिए सर्वांग प्रस्वेद छूटे ताते रक्त गम जग जज गग जज गग गद गद गच। कहते महापुरुष का सारे शरीर से प्रस्वेद छोटे जैसे पसीना निकलता है ना, कहते महापुरुष का शरीर में ऐसे नहीं जैसे पिचकारी होता है ना पिचकारी, जैसे पिचकारी में जैसे पानी मारते हैं महापुरुष का शरीर में ऐसे ही जैसे पिचकारी जैसे शरीर महापुरुष शरीर से पसीना निकल रहा था और जैसे मानो खून निकल जाएगा शरीर से। मतलब ये एक के प्रेम का अद्भुत लक्षण है। और महाप्रभु जगन्नाथ नहीं बोल रहे थे ज ज ज ग ग ग ग ग ज ज ज ज ग ग ग ग हैं, जैसे प्रेम को मारे जैसे कोई बात बोल नहीं सके ऐसे ही महाप्रभु गदगद वचन निकल रहे थे। बोले जल जंत्र धारा जैसे बहे अश्रु जल आसे पास लोग को जते बीज ल सका। कहते महाप्रभु के आंखों से आंसू कैसे प्रवाहित हो रहा था, कहते ऐसे प्रवाहित हो इधर जैसे आकाश जैसे मेघ बारिश होता है ऐसे ही महाप्रभु का आंखों से
एकदम आंख जैसे बारिश जैसा पर आंसू बह रहा था, और आसपास में जितने लोग थे कहते वो आंसू इतने आंसू है सब लोगों को भिगा दिया। और जहाँ पर महापुर नृत्य कीर्तन कर रहे थे वहाँ भी कीचड़ कीचड़ जैसे हो गया है, कीचड़ कीचड़ जैसे हो गया। बोले देह कांति गौरव न देखिए अरुण, कहो कांति देखी जे न मल्लिका पुष्प सब। कहते महाप्रभु का शरीर कैसे है, कहते गौर हरि, उनका नाम गौर हरि गौरांग तप्त कांचन गौरांगी। जैसे लोहे को जैसे गर्म करने पर जैसे एकदम लाल वर्ण हो जाता है, उसका जो रंग है एकदम उज्जवलता उज्जवल जैसे है, एकदम उज्ज्वल जैसे महाप्रभु का अंग कांति भी एकदम गौर वर्ण महाप्रभु का अंग कांति। और बड़े अरुण तक देखिए अरुण गौरवर्ण, लेकिन उसके अंदर में थोड़ी सी से लाल मिला हुआ है ऐसे ही। और कभू कांति देखी जन मल्लिक पुष्प सम, कहते महाप्रभु का कभी कभी शरीर कैसे है जैसे बेली फूल होता है ना, बेली जैसे फूल जैसे खिल जाने पर जैसे उसका जैसे सुंदरता दिखता है, महाप्रभु का शरीर में ऐसे ही शरीर कभी कभी ऐसे खिले हुए जैसे बेली फूल जैसे। बोले कभू स्तंभ कभू प्रभु भूमित लोटा है, जैसे स्तंभ मतलब होता है जैसे एकदम एकदम अचल होकर के निस्तब्ध जैसे होकर के, जैसे महापुरुष शरीर जैसे स्तंभ जैसे पिलर जैसे खड़ा हुआ है ना, है एकदम शरीर हिलता नहीं डोलता नहीं। इसलिए कब स्तंभ कभी महाप्रभु जमीन ऊपर प्रेमी कृष्ण प्रेम लौट पोट खाते ही जैसे है हस्त नाचल। बोले शुष्क काष्ठ सम पद हस्त नाचल, जैसे सूखे लकड़ी जैसे है, जैसे सूखे लकड़ी जैसे एकदम प्रेम में पूरा एकदम महापुरुष शरीर जैसे निश्चल जैसे चलता नहीं, इसे प्रेम का सब विकार है। इसलिए कहते हैं बोले कब भूमि पड़े कब श्वास है ही, कभी वहाँ पर पछाड़ खा कर जमीन पर गिर जाते हैं, कभी उनका श्वास बंद हो जाता है, कभी जहाँ देखी भक्त गणे रे प्राण है कि महाप्रभु का ये रूप देख करके ना भक्त लोग का जैसे प्राण जैसे चला जाएगा, इनके प्राण जैसे चला जाएगा। क्या शरीर में महाप्रभु का प्रेम है, कैसे प्रेम है। कब के कभी नेत्र नासाय जल मुखे पड़े फेड़, अमृत धारा चंद्र बिंबे बहे जय। उदाहरण देते हैं कभी कभी उनको नासिका से ऐसे पानी गिरता है, हैं मुखे पड़े फेड़ हर मुंह में झाग निकल आती है, जैसे मानो है जैसे अमृत का जैसे धारा बहती है, ऐसे ही महाप्रभु का जैसे अमृत की धारा जैसे निकल रहा है। सही फेण लया शुभानंद कैल पान, कृष्ण प्रेम रसिकते हम महाभाग्यवान। जब महाप्रभु का मुँह से प्रेम से झांक निकल रहा था, इतने में एक भक्त था जिनका नाम था शुभानंद, हमने क्या किया महाप्रभु का मुँह से फेण प्रेम में, तब उन्होंने फेण लिया और उन्होंने फेण को लेकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने पान कर लिया। कहते महाभाग्यवान है शुभानंद। बोले क्यों, बोले कृष्ण प्रेम रसी कहते हैं महाभाग्यवान, कितने भाग्यवान महाप्रभु का मुँह से जब झांक निकले उसको लेकर कोई खा ले उसको भाग्य की कोई सीमा है। बोले बड़े बड़े भाग्यवान व्यक्ति है। ए मत तांडव नृत्य कैल तार विषय प्रभु प्रवेश लम, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम तांडव नृत्य, तांडव नृत्य हैं कहते ना तांडव नृत्य किसका है, शंकर जी जब नृत्य करते हैं एकदम प्रेम में है, प्रेम उन्माद होकर के जब नृत्य करते हैं श्री भोले बाबा, उनका नृत्य को कहते हैं तांडव नृत्य कहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे ही तांडव नृत्य कुछ करके प्रवेश लम्बन। बोले तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूप अज्ञात लो हृदय जानी आज स्वरूप गायत लानी, तब महाप्रभु तांडव नृत्य को जब उनको विश्राम हुआ स्वरूप दामोदर बोले तुमसा कीर्तन हुआ है, तो स्वरूप दामोदर ने उनको भाव को जान करके हैं तब उन्होंने कीर्तन किया है। अभी महाप्रभु का भाव क्या है, हाँ देखो इस चीज को समझ लो, स्वरूप दामोदर महाप्रभु जिस भाव से नृत्य कीर्तन कर रहे थे उसी भाव का अनुरूप एक भजन गाए। बोले क्या है, बोले सही तो प्राणनाथ पाइनु जहाँ लागी मदन दहने झुरी गेनु, यही धुआ उच्चेश्वरे गाए दामोदर
आनंदे मधुर नृत्य करे न ईश्वर धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन आगे नृत्य करी चले सचिर नंदन महाप्रभु नृत्य करते 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 जा रहे हैं जगन्नाथ के दर्शन करते करते और दामोदर इसी भजन को बारंबार गा रहे क्या है बोले सही तो प्राण नाथ पाए नु जहा लागी मदन दहने झुरी गए नो है समझो इसलिए इसका तात्पर्य क्या है बोले जो रथ यात्रा का जो असली जो तात्पर्य क्या है ये रथ यात्रा है क्या चीज स्वरूप दामोदर कौन है कृष्ण लीला में कहते श्री ललिता सखी है ये ललिता सखी राधा जी भाव को ये समझती है राधा रानी कब कैसे किस भाव से क्या गा रही नहीं गा रहे ये सब राधा जी के हृदय को ये समझती है इसलिए उन्होंने महाप्रभु का भाव राधा जी का भाव उसी भाव का अनुरूप उन्होंने ये लाइन को पढ़े मतलब क्या बोले सही तो प्राण नाथ पाई वह जो हमारे प्राण प्यारे भगवान कृष्ण हैं बड़े दिनों में अब वो हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर को हमें मिला बोले कब मिले बोले 100 साल के बाद में कितना दिन के बाद में कृष्ण बोल कर गए थे राधा रानी को देख राधे राधा रानी जब पूछा उनने गोपियों को समझाया किसी तरह से ब्रजवासियों को समझाए लेकिन जब कृष्ण जा रहे थे ब्रज छोड़कर मथुरा देखा रास्ता में राधा रानी लेट हुई इसलिए अभी भी वो स्थान का नाम है बिजवारी क्या नाम है बिजवारी मतलब बिजली जैसे राधा रानी चमक रहे थे बिजली जैसे इतने सुंदरी अब उन्हें राधा रानी अभी राधा रानी को कहीं समझाए बहुत उन्होंने समझाए जब बहुत समझे बोले देखो राधे कोई चिंता मत करो मैं आज जा रहा हूँ कल कल से मामा को उद्धार करके परसों चला हूँ इसलिए ब्रज में एक गाँव का नाम है सी परसु वो बोल कर गए कि मैं परसों आ जाऊंगा इसलिए सी परसु लेकिन परसों हो गए 100 साल हो गए तभी कृष्ण नहीं इसलिए बड़े दिनों में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के बाद में जब उन्होंने श्री राधा रानी से मिले तब राधा रानी बोले हे श्याम सुंदर आप तो वही कृष्ण में तो वही राधा हों लेकिन जब वृंदावन में यमुना किनारा में जब हम एकांत में निकुंज में जब मिलते थे जो आनंद है वो आनंद यहाँ पर नहीं है यहाँ पर हाथी घोड़ा राज वेश आपका कोई वृंदावन का कोई मयूर मुकुट कहाँ पर श्री का कुछ है हैं अभी तो द्वारकाधीश है आप राज वेश है अगर आप मेरे को आनंद देना चाहते हो मेरे हृदय रथ में बैठो और आपको ले चलेंगे कहाँ ले चलेंगे वृंदावन ले चलेंगे वही वृंदावन में ही मिल करके हमें आनंद मिलेगा इसलिए कहते सही तब पराण नाथ पाइनू वो जो प्राण प्यारे कृष्ण थे जिनको वृंदावन में हम मिलते थे उनको बड़े दिनों के बाद में अभी वही श्याम सुंदर मेरे को मिले बोले जहा लागी मदन दहन झरी गए जिसके लिए दिन रात में तड़फड़ाए करती थी दिन रात जब कृष्ण जब नहीं रहे कृष्ण जब चले गए हैं उसी समय जब राधा रानी जब मैं को दर्शन करती थी प्रेम से कृष्ण का रंग और मैं का रंग बराबर है कहते वो मैं को जब दर्शन करती थी मैं को साथ में प्रेम से बात करना शुरू कर देती थी जब तमाल वृक्ष को दर्शन करती थी तमाल वृक्ष का रंग काले है कृष्ण का रंग भी काले है तो उन्होंने तमाल वृक्ष को कृष्ण मान करके राधा रानी आलिंगन करती थी मानो कृष्ण को हमने प्राप्त किया है और मयूर पंख को देख करके कृष्ण की उनकी याद आया करती थी राधा रानी और प्रेम में राधा रानी क्या होती थी प्रेम में राधा रानी मूर्छित हो जाती थी राधा रानी है इसलिए जब उद्धव जी ब्रज में आए कैसे देखा राधा रानी कमल पुष्पों की सज्जा के ऊपर लेट हुई शरीर में अगोर कर्पूर चंदन को लगाए रख रखे हैं और गोपियां सेवा कर रही थी और कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बनकर कृष्ण आए और राधा रानी के चरणों के ऊपर बैठना चाहते और राधा रानी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी वचन बोल खबरदार मेरे चरणों के ऊपर मैं तो बैठा कर लगता है शराब भी करके आए तो शराब पी करके आए हो तो शराब भी हो मेरे चरणों के ऊपर मत बैठा करो मैं अपवित्र हो जाऊंगी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कृष्ण को वहां से भगा रहे थे बोले काले से मेरा कोई मतलब नहीं है ये काले से मेरा कोई मतलब नहीं जितने काले सब धूर्त हैं इसे धूर्त है काले टेढ़ी मेढ़ी वचन सब कृष्ण को सुना रहे थे तो यहाँ पर कहते जहाँ लागी मदन दहन झुरी गए नो बोले जिनके लिए हमने मदन मतलब प्रेम की और दिन रात कृष्ण विरह रूपी जो प्रेम में दिन रात उसमें ही हैं
प्रेम रूपी अग्नि में जलती रहती थी प्रेम में, इसलिए आज बड़े दिनों से कृष्ण को हमने प्राप्त किया है, है? इसलिए महाप्रभु इसी भाव से जगन्नाथ जी रथ मतलब राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में बैठा कर कृष्ण को ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं और आनंद मधुर नृत्य करे बोले धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन आगे नृत्य करे चले सचिर नंदन जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाए कीर्तनिया सब प्रभु पाछे पाछे जाए जगन्नाथ मग्न प्रभुर नयन हृदय श्रीहस्त जुगे करे गीत रे अभिनय जगन्नाथ जी को हैं कि जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाए जगन्नाथ जी को नेत्र को दर्शन करते हुए सब लोग नाच रहे थे गा रहे थे कीर्तन कर रहे थे और जैसे आप लोग जगन्नाथ रथ यात्रा में तो गए नहीं ना, रथ यात्रा में नहीं गए, जैसे हम लोग कीर्तन करते 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 आगे जाते हैं, रथ क्या होता है धीरे 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 रथ भी आता रहता है बढ़ोतमी होता है, जगन्नाथ जी चलते चलते जा रहे और सबके सब आगे आगे नृत्य कीर्तन करते करते सबके सब जा रहे हैं। इसलिए कहते जगन्नाथ मग्न है प्रभु नयन, महाप्रभु अभीष्ट होकर नयन को पूरा पूरा जगन्नाथ जी को तरफ में रख करके मान हृदय रूपी रथ में ले जा रही हूँ वृंदावन। इसी भाव से हैं करे अपना हस्तों को द्वारा अभिनय करते करते महाप्रभु चल रहे थे। बोले गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिर, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। यहाँ पर क्या कहते हैं अगर श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे चल रहे हैं और जगन्नाथ जी चल रहे हैं, चलते चलते क्या होता है कभी कभी चैतन्य महाप्रभु पीछे चले जाते, पीछे कभी कभी पीछे चले जाते, जब पीछे चले जाते थे तब जगन्नाथ जी और नहीं चलते रुक जाते थे, जगन्नाथ जी और नहीं चलते थे। लेकिन अगर महाप्रभु फिर आगे चले आते हैं, आगे चलने पर क्या होता है फिर कृष्णा फिर धीरे 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 चलना शुरू कर देते हैं। कहते यही मत गौर श्याम दोहे ठेला ठेली, ऐसे ही महाप्रभु और कृष्ण में खूब ठेला ठेली मतलब क्या धक्का मुक्की हैं, वो कभी पीछे चले पर खड़े हो जाते ये आगे आ जाते हैं, उसका अंदर में धक्का मुक्की हो रहे थे। बोले स्वर थे श्याम राखे गौर महाबली, स्वर थे श्याम रे राखे गौर महाबली। इसलिए कहते ऐसे एक महाप्रभु अपना प्रेम को द्वारा से जगन्नाथ को मन रथ में बैठा करके रखे। अभी यहाँ प्रश्न है, अभी प्रश्न है महाप्रभु पीछे क्यों जाते थे? आज जब पीछे जाते थे जगन्नाथ जी चुप हो गए खड़े हो जाते चलते नहीं, फिर महाप्रभु जो फिर आगे आ जाते थे फिर जगन्नाथ जी चलना शुरू कर देते, क्यों इसका क्या रहस्य है? तब श्री प्रभुपाद इसका रहस्य को श्री प्रभुपाद इसकी रहस्य को बता रहे, सुनो क्या कहते हैं। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु का यह भाव है ब्रजेंद्र नंदन गोकुलवासी दिग के त्याग करिया गौर लीलाए मत हैया चले। इसलिए महाप्रभु का ये भाव है कहते जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण हैं उन्होंने क्या किया गोकुलवासियों को उन्होंने त्याग दे दिया, जो वृंदावन वासियों को उन्हें त्याग देकर कहाँ रहते थे कहते ये हैं, कहते ये जो कृष्ण हैं कहते ये उसमें अपना लीला में मत रहते थे। बहु दिनों के बाद में जो कुरुक्षेत्र में उनको मिलन हुई है हैं, उनका जो संग लाभ हुआ है इसी समय में ब्रजेंद्र नंदन जगन्नाथ देव के राधा भाव सुबलित तो गौर सुंदर ऐश्वर्य लीला क्षेत्रे श्री क्षेत्र नीला चलाइते माधुर्य लीला भूमि गुंडी चाय दिखे आकर्षण करिया लयता जाचे। अभी कहते जो वृंदावन ही ये माधुर्य भूमि, माधुर्य भूमि मतलब उनको वृंदावन में कोई भगवान नहीं मानते, कोई अपना सखा मानते, कोई बेटा कोई अपना प्रियतम, लेकिन जो ऐश्वर्य भूमि कौन द्वारका ऐश्वर्य भूमि वहाँ पर द्वारकाधीश बनकर कृष्ण बैठे हुए वहाँ पर सब भगवान को स्तुति स्तभ करते हैं कि राजा 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 श्री द्वारकाधीश की, ये द्वारकाधीश है। अभी द्वारकाधीश जो ऐश्वर्य लीला में अभी उनको कहाँ ले जा रहे हैं, उनको माधुर्य लीला है गुंडीचा मंदिर मतलब वृंदावन ले जा रहे हैं। कहते श्री राधा ओ गोपीगण रे भावे भावान्वित गौर हरिर पश्चात पधर उद्देश्य यही जे, कहते राधा भाव से गोपियों के भाव से महाप्रभु जो विवाह बीते है तब कभी कभी पीछे क्यों चले जाते थे, इसका क्या रहस्य है? के अनादर करिया छे
इसलिए पीछे पीछे कभी कभी चले जाते थे कारण ही कहते जो ब्रजेंद्र नंदन ब्रज भाव विस्मृत है या कृष्ण ने क्या किया वृंदावन भाव को छोड़ करके उन्होंने क्या किया चले गए कहाँ मथुरा फिर द्वारका चले गए हैं द्वारका चले गए तुम क्यों चला गया हम ब्रजवासी इतने तुमका हम प्रेम करते थे हमारे प्राण के प्यारे आंखों के तारे तुम थे हमें क्यों छोड़कर तुम किस ले गया इसलिए तुम चला गया इसलिए मानो राधा रानी भाई ब्रजवासी महाप्रभु क्या करते थे मान करके कभी कर पीछे चल जाते अरे तुम हमें क्यों छोड़कर चला गया और इतने दिन बाद में तुम आ रहे हो इसलिए ऐसी भाव से चले जाते थे लेकिन जब चले जाते थे तथापि तादर चेष्टाए पुनराय कृष्ण ब्रजगत माधुरी उदय तो ऐश्वर्य जिला है माधुर्य लीला है उत्कर्ष उपलब्धि हवाए कृष्ण रथ विजय इसलिए पीछे चले जाते थे हैं लेकिन बड़े दिनों के बाद में कृष्ण अभी वृंदावन आ रहे हैं क्यों वृंदावन आ रहे हैं कहते कृष्ण को सबसे जो ज़्यादा आनंद है उनको वृंदावन में मिलते हैं वृंदावन में ही वो मिलते हैं वृंदावन में कारण क्या है कहते वहाँ शुद्ध वात्सल्य है शुद्ध वहाँ सख्य और शुद्ध प्रेम है शुद्ध वहाँ पर कोई ऐश्वर्य भाव नहीं जैसे उदाहरण गुरुदेव उदाहरण देते थे क्यों उनको वृंदावन इतने प्यारा लगता है जैसे माने एक जज है अब देखना जब जज कोर्ट में बैठता है ना सब आगे सब सैल्यूट देते हैं सब सम्मान करते हैं क्यों वो तो जब बैठता है जज किसको फांसी पर झुला देता है किसको आजीवन कारावास दे देता है और किसको जेल से मुक्त कर देता है इसलिए सबके सब आकर क्या करते उनको सैल्यूट देते हैं और सबके सब प्रणाम करते उनको अंगुल के इशारे पर सबके सब उठते ही बैठते हैं उस समय उठते हैं बैठते हैं इसलिए जैसे मानो उनका ड्यूटी ऑफिस में 10 से लेकर 4 बजे तक उसका ड्यूटी है 10 से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी है जब ड्यूटी है लेकिन अगर उसको अगर 1-2 घंटा और वहाँ बैठना पड़ जाता है ना फिर क्या हो जाता है जज का मन में खिलबिली मच जाता है या कब खत्म हो कब घर में जाए कब खत्म हो कब घर में जाए छटपट छटपट करता है कब घर में जाए घर में जाए यहाँ पर तो उसको सब सम्मान देते थे लेकिन जब वो थोड़ी सी लेट करके घर में आता है ना वो आते ही घर में कोई भी उसको सम्मान नहीं करते कोई भी नहीं वो आते ही बच्चा तो अगर छोटा अगर लाला होगा भागते हुए बोले पापा पापा आप इतना समय क्या कर रहे थे कहाँ चले गए थे वे गोद में चढ़ जाता है मेरे लिए क्या लाए वो बाल को नोचता है और गोद में जाकर बैठ जाता है बच्चा गोद में बैठ जाता है और पिताजी गोद में बच्चे को उठाकर उसको चुमने लग जाते हैं और आते ही मैया भी डांट लगाती अभी तो भी 2 घंटा हो गया सवेरे से तो भोजन नहीं किया भूख लगता होगा तेरे को और पत्नी आते ही कहते बच्चे को पढ़ाया नहीं अभी ये काम बाकी होगा देखना वो ऑफिस में रहते समय उसको सब सम्मान मिलता था सबके सब आदेश पालना करते थे लेकिन घर में आते कोई भी सम्मान नहीं करते कोई गाली दे रहे हैं कोई गोद में उठ रहा है पकेट बच्चा पकेट में हाथ लगा रहे हैं पिताजी मेरे लिए क्या ला आप बताओ उसको कहाँ ज़्यादा आनंद मिलता है घर में ज़्यादा आनंद मिलता है ना जब कोर्ट में बैठते हैं ज़्यादा आनंद मिलता है क्यों यहाँ तो उसको कोई सम्मान नहीं दे रहे सबको गाली सुनना पड़ रहा है सब गाली सुनना कर रहे लेकिन वहाँ पर सबको सम्मान किंतु आनंद कहाँ मिलेगा घर में आनंद है क्यों कारण क्या प्रेम है हाँ यहाँ पर जो ममता है ये मेरे माँ है ये मेरी पत्नी ये मेरे बेटे है लेकिन जो ऑफिस में बैठता है ना वहाँ पर वहाँ हैं तो बोला ड्यूटी देने के लिए वहाँ पर बैठता है वहाँ पर इसके साथ में इतना कोई संबंध नहीं है लेकिन घर में अपना ममता ये मेरे हैं इसलिए कहते भक्ति किसको पर निर्भर करता है जिसको हृदय में जितनी ममता अतिशायित जहाँ पर ममता प्रेम ज़्यादा होता है वहाँ पर आनंद मिलता है वहाँ पर आनंद मिलता है कहते उसी तरह अभी श्री जगन्नाथ जी कहते द्वारका में जब रहते द्वारकाधीश सबके सब उनका आदेश पालन करते हैं सबको डांट लगाते हैं क्यों राजा भी राजा है ना सबको शासन करते हैं तुम ये क्यों नहीं किया ये हो गया ये करनी चाहिए लेकिन ब्रज में कोई भी उनको भगवान नहीं मानते सकाल बोले कहना इतना दिन तक कहाँ रह गए थे सारे तू क्या कर रहा है सब गाली देते सबके सब हैं सब का झूठे में कृष्ण कहते हैं लेकिन कृष्ण को बड़ा आनंद लगता है मेरे सखा है मेरी सखा मैया भी डांट लगाती है गोपियाँ
राधा रानी सब डांट लगाती हैं, इसलिए कृष्ण कभी कभी कहते हैं राधे, कहते हैं वेद मेरे को स्तुति करता है लेकिन उसमें जो आनंद नहीं मिलता वो आनंद मिलता है गोपियाँ जो मेरे को गाली देती हैं, राधा रानी मेरे को गाली देती है, हैं। इसलिए कभी कभी कृष्ण कहते हैं राधे तो जो मान करती है ना, तेरे मान को मनाने के लिए मेरे को जितने परिश्रम लगते हैं, गिरिराज उठाने के लिए तेरा कस्टमर को नहीं लगा, गिरिराज उठाने के लिए मैं तो आसानी से गिरिराज उठा लिया, अगास रूप अकाश रूप आसानी से पछाड़ दिया, लेकिन जब राधा रानी मान करती है बोले तेरे मान को मनाने के लिए पता नहीं मेरे कितने कष्ट, कितने मेरे को कष्ट होता है मेरे को मान को मनाने के लिए, हैं। इसलिए तत्कारण वहाँ प्रेम है। इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ जी महाप्रभु जो पीछे चले जाते हैं, जगन्नाथ जी रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोले क्यों, क्योंकि राधा रानी भाव से महाप्रभु विवाह बीते हैं, तो इतना दिन बोल करके परसों बोल करके तुमको 100 साल हो गया और तुम आया नहीं है, आया नहीं, इसलिए मान करके पीछे चले जाते, चिपे जगन्नाथ जी खड़े हो जाते, खड़े हो जाते हैं, बोले क्यों खड़े हो जाते हैं। अब कभी कभी राधा रानी सोचती हैं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं केवल ऊपर मेरे को दिखाने के लिए, ऊपर केवल दिखाने के लिए ऐसे नहीं मेरे साथ साथ चलते, क्या वास्तव रूप में मेरे को ही आनंद देने के लिए आते हैं, न अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। इसलिए क्या होता है वहां पर महाप्रभु पीछे जब चले जाते हैं, जगन्नाथ खड़े हो जाते हैं, बोले हे राधे मैं और किसी काम के लिए नहीं जाता, बात तेरे लिए मैं जा रहा, तेरे को आनंद देने के लिए जा रहा, तेरे प्रेम में मैं बसीभूत हूँ, इसलिए केवल तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ और मेरा कोई काम नहीं। इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं यहाँ के तहाँ रुक जाते हैं, लेकिन जब फिर राधा रानी हैं जब सामने आप फिर चलती हैं, फिर जब महाप्रभु चलते हैं राधा रानी का भाव से धीरे धीरे, फिर जगन्नाथ जी धीरे धीरे चलते, बोले केवल मैं तेरी वजह से जा रहा हूँ और मेरा कोई जाने का कोई भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल तुम्हारी कोई रिझाने और तेरे को खुश करने के लिए मैं जा रहा हूँ। यदि रथ यात्रा का यही वास्तव अर्थ है रथ यात्रा का, राधा जी ब्रज जन के प्रति आंतरिक सौहार्द वशवर्ती है या कृष्ण वास्तविक रूपे जायते छेन कि ना, अथवा तार तद इतर अन्य को उद्देश्य आच्छे कि ना, तद विषय संदेह निराकरण जन श्री महाप्रभु पिछाइया पड़ते छेन। इसलिए श्री महाप्रभु इसलिए पीछे चले जाते थे अपना शंका को दूर करने के लिए, ये मेरे लिए ना और किसी काम के लिए ये जा रहे हैं। महाप्रभु हृदगत भाव अवगत है या श्री जगन्नाथ देव गति बंद करिया तहर जन अपेक्षा करते छेन। इसलिए महाप्रभु का जो हृदगत भाव को कृष्ण समझते हैं, इसलिए जब महाप्रभु पीछे चले जाते थे जगन्नाथ जी खड़े हो जाते थे, बोले नहीं अरे तू नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, क्यों वहाँ जाना तो तेरे वजह से ही मैं जा रहा हूँ। इसलिए जगन्नाथ जी अपेक्षा करते हैं राधा रानी आएगी तब मैं चलूँगा, राधा रानी के बगैर में वृंदावन नहीं जाऊँगा। इसलिए विशेषतः वृंदावन शरीर अभावे ब्रज भावे सौष्ठव संभावना नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं महा जगन्नाथ जी क्यों खड़े हो जाते हैं, बोले वृंदावन की तभी शोभा है, कब शोभा है जब श्री राधा रानी हैं। इसलिए जदा राधा विधामि हम हैं, इसलिए कहते हैं ये वृंदावन की तभी महिमा है, इसलिए वृंदावन की महिमा क्यों, वृंदावन की जथा राधा विधामि हम, जहाँ पर श्री राधा रानी रहती है राधा रानी की वजह से ही ये वृंदावन की महत्व है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर मेरे को हैं अगर राधा रानी अगर द्वारका में अगर मैं सुनूं राधा रानी द्वारका में मेरे को बुला रही हूँ, कहते मैं पंख लगा करके मन से भी ज़्यादा तेज गति से द्वारका में पहुँच जाऊँगा, लेकिन अगर वृंदावन में भी हैं अगर राधा रानी नहीं हैं अगर वहाँ कृष्णा भी हमें बुलाए वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्यों वहाँ पर हमारे किशोरी श्री राधा रानी है। इसलिए वृंदावन की क्यों इतना महिमा है, बोले राधा जत्र राधा पिता भी, इसलिए वृंदावन की महिमा से राधा रानी वहाँ पर रह रही है, राधा रानी वहाँ पर रह रही हैं तभी उसका ही महिमा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जथाए वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन है, जहाँ पर वैष्णव लोग वहीं पर वृंदावन धाम, जहाँ वैष्णव नाही जे तीर्थे वैष्णव नाही से तीर्थ थे नाही जाई किला भाटिया दुरदेश, अगर कोई तीर्थ स्थान हो
है, अगर वृंदावन की नहीं हो, अगर वहां पर हम गए, अगर भक्तों का संग नहीं मिला, हरि कथा नहीं मिली, भक्तों के साथ में रहना नहीं हुआ, तो वृंदावन बाग थोड़ी है, वहां पर तो गुंडा बदमाश रह रहे बाकी भी आज दर्शन करने के जाओ भीड़ में, पकड़ में पैसा हो, अगर इसी गली जा करके घूम कर पकड़ खाली पकेट खाली तब पकड़ मार भर के ले जाएंगे, ये भी तो वृंदावन में रह गए। इसलिए वृंदावन की महत्व तभी जब वहां पर राधा रानी की निवास, भक्तों का निवास। इसलिए जथाए वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन। वृंदावन कहाँ है? जहाँ पर वैष्णव लोग रहते हैं, जहाँ पर भक्त लोग रहकर हरि कीर्तन हरि कथा कीर्तन करते, वही वृंदावन धाम वही है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमती राधा रानी के बगैर कत ब्रज भावर सौष्ठव समापन नाही। इसलिए यहाँ पर अगर माँ जगन्नाथ जी कह रहे तभी ब्रज में जाकर के आनंद मिलेगा, जब तू रहोगे तभी तो ना मिलेगा, नहीं तो तेरे बगैर वृंदावन थोड़ी मेरे को वृंदावन लगे, वृंदावन लगेगा नहीं। इसलिए जगन्नाथ के अपेक्षा करते देखिया श्री गोपी भावरे सामर्थ्य बुझिया उत्साहित तो या गौरव सुंदर अग्रस रहिले जगन्नाथ देव लज्जित तो या धीरे धीरे तार अनुगमन करते चले। जब श्री जगन्नाथ जी जब महाप्रभु पीछे चले जाते थे, जगन्नाथ जी रुक जाते थे, जब जगन्नाथ जी रुक जाते थे तब इतने में जगन्नाथ जी अपेह करते राधा रानी कहाँ चली गई, राधा रानी तो पीछे चली गई, अगर राधा रानी पीछे चली गई मैं अकेला जाकर के क्या करूँगा, वृंदावन जाकर मैं क्या करूँगा, मेरे तेरे वजह से जा रहा है। इसलिए जगन्नाथ जी वहाँ पर रुक जाते थे, जब रुक जाते थे जब महाप्रभु देखते थे नहीं जगन्नाथ जी केवल मेरे वजह से ही चल रहे हैं, अगर मैं पीछे आ गया तो जगन्नाथ जी क्या हो रहे वहाँ पर खड़े हो गए जा नहीं रहे, एकदम जहाँ के तहाँ खड़े हो जाते थे, रथ को खेचने पर भी रथ नहीं जाते थे। तो जगन्नाथ जी कहते हैं राधे मैं तेरे लिए जा रहा हूँ और कोई काम नहीं। जब राधा रानी महाप्रभु देखते हैं सचमुच से मेरे लिए जा रहे और किसी के लिए नहीं जा रहे, अरे महाप्रभु सामने आ जाते थे, आ जाने पर फिर जगन्नाथ जी फिर धीरे 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 जगन्नाथ जी चलने लग जाते और जगन्नाथ जी लज्जित हो जाते, जगन्नाथ जी लज्जित हो जाते, क्यों उनको शर्म क्यों लगता था, क्योंकि मैं परसों बोल कर कितना दिन बीत गया नहीं गया है हाँ। इसलिए जगन्नाथ जी लज्जित होकर के चलो मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ, राधे तेरे पीछे पीछे मैं चलता हूँ। श्री राधा दी गोपी भावे भावुक श्री गौरेर अनुगमन गौरेर जन्य अपेक्षा योग्यता जगन्नाथ देवरे देखा जाए। सुतराम श्री जगन्नाथ रे प्रति महाप्रभु भाव, महाप्रभु प्रति जगन्नाथ रे भाव, उभय रे यही प्रकार भावे ठेला ठेली थे बस समर्दने राधा भाव दुतिल महाप्रभु अथवा तहार प्रेम ही अधिकतर बलवान है। इसलिए मानो दोनों के अंदर में धक्का मुक्की होता है ना, उसको धक्का देता है उसको धक्का देता है, मानो दोनों के अंदर में जैसे धक्का मुक्की करते करते हाँ दोनों जैसे धीरे धीरे धक्का मुक्की करते करते ठेला ठेली धक्का मुक्की करते करते सम्मर्दन राधा फिर महाप्रभु हैं। इसलिए महाप्रभु अथवा तार प्रेम अधिक अधिकतर बलवान। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं माने जो महाप्रभु राधा भाव में जो विवादित है, कहते यहाँ पर किस चीज के महत्व दिखा रहे हैं, प्रेम। जगन्नाथ जी को राधा रानी इतने प्रेम में वशीभूत किया है, अपना हृदय बैठा करके अपना प्रेम को द्वारा ही क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को खेच खेच करके ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, वृंदावन। क्यों? भगवान केवल प्रेम की भूखे हैं ठाकुर जी और किसी चीज के भूखे नहीं, और किसी चीज को द्वारा भगवान को आप कभी वशीभूत नहीं कर सकते हो, केवल भगवान को प्रेम को द्वारा ही भगवान को वशीभूत कर सकते हो। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, बोले श्री हेरा पंचमी की। इसलिए हम लोग शाम को हेरा पंचमी को, आज जो तिथि है आज विशेष तिथि है हेरा पंचमी है, आज श्री लक्ष्मी जब जगन्नाथ जी बोल गए थे मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन जब 5 दिन बीत जाती हैं
हेरा मतलब होता है ढूंढना, देखना। वो क्या कर रहे हैं क्या, वो तो 2 दिन बोल कर गए थे, लेकिन ये 5 दिन ही हो गया तभी क्यों नहीं आ रहे हैं। हो ना हो ये गोपियाँ हैं, मेरे प्रभु आना चाह रहे हैं, अरे गोपियाँ क्या कर रही हैं, इनको आने ही नहीं दे रहे, इनको आने ही नहीं दे रहे, इसलिए मैं चल कर देखता हूँ और कृष्ण क्या कर रहे हैं। इसलिए इसी भाव से लक्ष्मी एकदम सर धज करके, अपना एकदम राज ऐश्वर्य वेश में सर धज करके, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए किसको, ब्रजवासियों को अपना ऐश्वर्य दिखाते थे और कैसे सुंदर रूप में दर्शन करते थे। और वहाँ पर श्री श्रीवास पंडित और श्री स्वरूप दामोदर ललिता और श्रीवास, श्रीवास को नहीं कहते श्री नारद जी, ये वैकुंठ परिकर, ये स्वरूप दामोदर कर और ये ललिता कहाँ के परिकर, वृंदावन, इनके अंदर लड़ाई होगी। ये बोलेगा हमारी वृंदावन श्रेष्ठ, वो बोलेगा हमारी श्री वैकुंठ श्रेष्ठ है। इसलिए हम शाम के सब कथाओं को शाम को सुनेंगे, इसलिए सब शाम का है, ठीक है, शाम का है। वैष्णव नमो नमः।